हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेवल स्टडी टॉपिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम हल करवाने वाले हैं एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बार बार तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? राइट आंसर है AS। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद खंडों का संग्रह है? राइट आंसर है 20 खंडों का। अगला क्वेश्चन है, CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? राइट आंसर है एथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप से। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है? राइट आंसर है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारतीय संविधान में के इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 324। शिक्षण निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है? राइट आंसर है मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन है, रज्जु की संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर, इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद यंत्र बजाया करते थे? राइट आंसर है वायलिन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में घटक हैं जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करते हैं? राइट आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर है 74.05%। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्यवाही की योजना बनाने के लिए किससे मुलाकात की? राइट आंसर है के लिए मुलाकात की राइट आंसर है बी इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः उपचार कहा जाता है? राइट आंसर है डी सीवेज का उदाहरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्रों में बने कीटाणु शोधन उप उत्पादों का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर है टाइटेनिया। अगला क्वेश्चन है, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय खालिस्तान के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था? इसके कार्यकाल में राइट आंसर है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में निरस्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? राइट आंसर है CD देशमुख, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? राइट आंसर है अम्मू स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के तहत कोई ऐसा शहर जो 34 और 66 के बीच अंक प्राप्त करता है और जिसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता होती है, वह खालिस्तान से रोग कोडित होता है राइट आंसर है बी काले रोग से कोडित होता है। अगला क्वेश्चन है, तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं? राइट आंसर है स्लज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं? राइट आंसर है चरी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, श्री अकाल तख्त साहिब परिसर के भीतर स्थित है? राइट आंसर है स्वर्ण मंदिर के अंदर, जो अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने के लिए भी संक्रामक का उपयोग निस्यंदन के बाद किया जाता है, हालांकि
निसंक्रामक का उपयोग हटाने के लिए नहीं किया जाता है। राइट आंसर है ए, खनिज पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, संकुक का एक भाग है। राइट आंसर सौर घड़ी का भाग है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं। राइट आंसर है रूपनाथ में। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में संबंधित किस क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर है नेपाल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, अन्य की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है। राइट आंसर है ए, लाल लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मनाता है। राइट आंसर है ए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। राइट आंसर है डी, हरियाणा। सबसे अधिक किस राज्य में है तो केरल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्धृत किया गया था। राइट आंसर है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में से किसने वर्ष 2019 का जोआन मीरो पुरस्कार जीता था। राइट आंसर है नलिनी मालिनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। राइट आंसर मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। राइट आंसर अनुच्छेद 6 के तहत। अगला क्वेश्चन, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। राइट आंसर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर है तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शहीद भगत सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है। राइट आंसर है बी, 28 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, 41 सितारा एवं तबला का आविष्कार किसे माना जाता है। राइट आंसर है अमीर खुसरो को। पुरी की जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर सीताराम येचुरी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना। राइट आंसर है 16.68%। अगला क्वेश्चन है, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। राइट आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, इस महासागर का क्या नाम है। राइट आंसर है अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर है लता मंगेशकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 48 निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूद जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था। राइट आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम या फिर LIC। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था। राइट आंसर है बी, गदर पार्टी। अगला क्वेश्चन है, 50 भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। राइट आंसर है सी, एडम्स सेतु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। राइट आंसर है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर है सी, केरल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राइट आंसर है ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। राइट आंसर है सी, क्लोरोफिल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है। राइट आंसर है बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की। राइट आंसर है बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58 भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथात्मक पुस्तक को क्या कहा जाता है। राइट आंसर ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक प्रबुद्ध
मंडल थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMIE के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई? राइट आंसर हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? राइट आंसर है मोती मस्जिद, जो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राइट आंसर है गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? राइट आंसर है अपर्णा सतीशन को। अगला क्वेश्चन है, ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पक्ष को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? राइट आंसर है हाथी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन संगठन का प्रावधान है? राइट आंसर है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान। विकल्पों में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन का चयन कीजिए? राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता? राइट आंसर है ए PV। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है कोलकाता को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? राइट आंसर है ऑक्टोपस। ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था? राइट आंसर है बी केरल ब्लास्टर्स FC को। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। निम्नलिखित में से कौन सा कला क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है, जिन्होंने वर्ष 1930-20 से 1914 तक दिल्ली पर शासन किया था? राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था? राइट आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? राइट आंसर है वर्षा ऋतु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? राइट आंसर गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। अगला क्वेश्चन है, फलेसन ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ख पूंजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई? राइट आंसर ज्योतिराव गोविंद राव फूले। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत स्थिति से तक जारी रहेगी? राइट आंसर है बी 5 साल तक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? राइट आंसर है शिक्षा का अधिकार 2002। अगला क्वेश्चन, AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? राइट आंसर है 2 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? राइट आंसर है एलिमेंट। हीटर की कुंडली नाइक्रोम धातु से बनी होती है। निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदर्द घाटी को क्या कहते हैं? राइट आंसर है दी दून घाटी। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? राइट आंसर है बिरहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर है बी झारखंड राज्य के द्वारा। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? राइट आंसर है मेथनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत में मुख्य रूप से बनी हुई है? राइट आंसर है सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? राइट आंसर, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर 1929। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन 90 है, माधवी मुंडल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? राइट आंसर है उड़ीसी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री ब्रह्मपुरी स्वरम
स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? राइट आंसर है बी गिलियन फ्लिन ने। अगला क्वेश्चन है सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं? राइट आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला क्वेश्चन है 95 जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 96 अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? राइट आंसर आंध्र प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है 98 अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? राइट आंसर है टोडरमल था। अगला क्वेश्चन 99 पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रामी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है वेस्ट मिक्स ईस्ट। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर सूखे हुए ऊंचे शैली तटों को कहते हैं? राइट आंसर समुद्री मृग या सी क्लिफ। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।